नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। ये जो अभी आपने पेंटिंग देखी है, ये किसी बड़े शहर के बड़े पेंटर की नहीं है, बल्कि एक छोटे से गांव की एक 12वीं क्लास की उस बेटी की है जिसने 8वीं क्लास तक ड्राइंग अपने सब्जेक्ट में रखा था और उसके बाद घर पे ही वो इस तरह से एक प्रयास उसने शुरू किया और आज इस तरह का एक चर्चा का जो विषय है वो बना हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ पूजा की। पूजा जो कि फतेहाबाद ज़िला के पीली मंदोरी गांव की रहने वाली है और पूजा का इन दिनों में काफ़ी जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उसकी जो पेंटिंग है वो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये बहुत बढ़िया और बेहतरीन पेंटिंग है, बल्कि चर्चा का विषय इस बात से भी है कि एक ग्रामीण अंचल में बगैर किसी ट्रेनिंग के इस तरह की जो पेंटिंग वो अगर बना सकती है, तो अगर इसकी प्रतिभा को निखारने के लिए अगर बढ़िया प्लेटफॉर्म इसको अगर मिल जाता है तो वो किस हद तक, किस लेवल तक वो पहुंच सकती है, उसको लेकर ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आज मैं पहुंचा हूं पीली मंदोरी गांव में बंसीलाल के घर पर और बंसीलाल की बेटी है पूजा। तो उनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं कि किस तरह से, कब इनका मन में आया ये पेंटिंग करने का, ये ड्राइंग इस तरह से जो बनाते हैं, तो उसको लेकर पूरी विस्तार से हम इनसे हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो अपनी न्यूज़ की तरफ से मैं धन्यवाद और बधाई देता हूँ पूजा, जो आपने इस तरह से जो पेंटिंग बना रहे हैं। धन्यवाद। ये जो आपकी पेंटिंग काफ़ी हमने देखी है और इसको लेकर एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि लोग ये पूछ भी रहे हैं सोशल मीडिया पर कि इतनी बढ़िया जो पेंटिंग है वो किस लेवल के पेंटर की है। तो आपकी पेंटिंग है तो कब से आपके मन में ये है कि आपने ये पेंटिंग का ये जो सिलसिला है जो आपने शुरू किया था? मैंने पेंटिंग करना 5वीं क्लास से स्टार्ट किया था और धीरे धीरे मुझे इसमें मन रुचि आने लगी। अच्छा, तो आप ये जो आपने पूरा कब से ये इसके बारे में आपके मन में कब आया और अब जो स्टडी के अंदर आपने कब तक इसकी जो है ड्राइंग की आपने ट्रेनिंग ली है? मैंने 8वीं तक, मेरी ये सब्जेक्ट था ड्राइंग और मैंने 8वीं तक की, उसके बाद मैंने मेरे लेवल पर ही पेंटिंग करना शुरू किया और मैंने इंदिरा गांधी की फ़ोटो बनाई, पेंटिंग बनाई, जो सबको अच्छी लगी तो मैं आगे भी और करने लगी पेंटिंग। तो इसके लिए घर वालों ने अपने स्तर पे ये उपलब्ध कर, घर पे ही आप पूरा करते हो? यस। तो किसको देख के, कोई ऐसा मन में कभी आया हो कि किसी की पेंटिंग आपने देखी हो उसको हूबहू आपने बनाने का मन में आया, तो किस तरह से शुरुआत कब हुई थी? मेरा मन करता है तभी मैं कर लेती हूँ। अच्छा, पेंटिंग। तो अब आगे आपने ये जो काफ़ी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, तो उससे आगे आपके मन में क्या है, भविष्य में किस तरह से, किस लेवल पर आप जाना चाहते हैं? अगर हाँ मौका मिलता है तो मैं बढ़िया ट्रेनिंग पर जाके और आगे सुधार कर सकती हूँ। तो ये जो आप किस तरह से बनाते हैं, मतलब कोई स्टिल फोटो चाहिए आपको या मोबाइल से भी आप देख के बना देते हैं या क्या, किस तरह से होता है ये? मैं पेंटिंग मोबाइल से देख के बनाती हूँ, उसमें फ़ोटो डालकर फिर बना लेती हूँ। कितना टाइम लगता है नॉर्मल, अगर फ़ोटो है तो उसमें, जैसे मेरी फ़ोटो है इतनी है पासपोर्ट साइज़ की, तो उसमें कितना टाइम लगता है? 1-1.5 घंटा लग जाता है। अच्छा, तो उसमें एक अगर बात करें 1-1.5 घंटा की, तो आपके एरिया के अंदर काफ़ी अब जो ये आपने देखा है, कभी धार्मिक जो फ़ोटो में भी आपने बनाई है और स्टे होम स्टे सेफ के हिसाब से आपने जो कोरोना काल के अंदर भी बनाई है, तो इसमें कितना का आपको समय लगता है? इसमें थोड़ा ही समय लगा था। अच्छा, तो अब आपके कोई रिश्तेदारों का भी कोई भी फ़ोन आता होगा, कोई इस तरह का कोई हुआ है तो वो भी आप थोड़ा हमें बताइए। हाँ, बहुत सारे आ रहे हैं कॉल की हमारी बना दो पेंटिंग। पूजा के पिता हैं बंसीलाल, वो हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, पूछते हैं कि इनके जो ये इस तरह का एक चर्चा का जो विषय बना हुआ है इनकी बेटी की जो पेंटिंग है उसको, तो उसको लेकर वो किस तरह से, क्या कुछ उनका कहना है जी, क्या कुछ कहना है, इतना चर्चा का विषय बना हुआ है, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है आपकी जो बेटी है उसका जो ये पेंटिंग है। जी, बहुत बढ़िया है, आप में बहुत खुशी हुई, हम देख गए, पहला इंदिरा गांधी की फ़ोटो बनाई, उससे चर्चित हुए मैं थोड़ा सा। अच्छा, अरबिंग बाद में धीरे 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 ये काफ़ी तस्वीर बना रखी है और भी आई है, तो बहुत अच्छा लगे इसको देख। तो पढ़ाई की अगर बात करें तो कब तक इसने, क्या कौन सी क्लास तक इसने ये ड्राइंग के बारे में या पेंटिंग के बारे में इसकी स्टडी जो क्या हुई थी पहले? 8वीं तक ड्राइंग थी जी इसके पास। अच्छा। उसके पास 10वीं के और 12वीं के अंदर नहीं थी। हाँ। और ना ही इसने कोई भी ध्यान दिया ड्राइंग का, ना ही हमें पता था। हाँ। वरना ड्राइंग ही दिलाते हैं इसको। ठीक है, इसके और ही सब्जेक्ट थे।
अब जो एक चर्चा बनती जा रही है, तो उससे भविष्य में इसका जो आप पढ़ाई के मामले में किस तरह से क्या स्टडी करवाओगे इसकी? जो इसको अच्छा लगे वो इसमें ड्राइंग के अंदर ही करवाएंगे इसको, जो इसको भाई वो पेंटिंग वगैरह वगैरह जो करना चाहती है वही करेगी, और हमारी फुल सपोर्ट है इसको। तो अब जो चर्चा होने के बाद में किसी रिश्तेदार का भी इस तरह से कोई फ़ोन वगैरह या कोई फ़ोटो वगैरह आती होगी कोई? हाँ जी, बहुत से आए हैं सारे पूरे रिश्तेदार हमें आगे। तो चलिए, ये पीली मंदोरी गांव है, फतेहाबाद जिला का गांव है हरियाणा के अंदर, और वहाँ की एक बेटी है और ये 12वीं क्लास की छात्रा है, और इसने इस तरह से इसका इतना जो चर्चा का विषय जो बना हुआ है उसको लेकर जो परिजन है वो भी काफ़ी खुश हैं कि उनकी जो बेटी का जो एक इस तरह से जो एक चर्चा जो है वो पूरे एरिया के अंदर सोशल मीडिया के माध्यम से हो रही है। तो ये हालांकि एक शुरुआत है, इनकी ग्रामीण अंचल से है, और इन्होंने अपने स्तर पर इस तरह की जो पेंटिंग इनकी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तरह की जो पेंटिंग इन्होंने एक शुरुआत की है ग्रामीण अंचल में है। इस प्रतिभा का अपनी न्यूज़ के माध्यम से भी हम पूरा प्रमोशन इसमें कर रहे हैं। आपको क्या कुछ लगता है, इसको अगर बढ़िया प्लेटफॉर्म मिलता है इस पूजा को, तो क्या भविष्य में और किस सतर का इसमें सुधार हो सकता है, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके लिए जो भी प्लेटफॉर्म अगर आप अपने सतर पर उपलब्ध करवा सकते हैं या फिर आपके ध्यान में है, तो वो भी आप ज़रूर, जो नीचे जो नंबर दिए हुए हैं पूजा के पेरेंट्स हैं बंसीलाल, उनके नंबर हैं, उन पर आप फ़ोन करके उनको आप बढ़िया एक गाइड अप कर सकते हैं, ताकि जो बच्चे हैं ग्रामीणांचल से उठकर और भविष्य में बड़े सतर पर ये एक पेंटर बन सके, इसके लिए आप भी अपना पूरा सहयोग करें। सिरसा का एकमात्र रेजिडेंशियल व डे बोर्डिंग स्कूल, जहां पर आपके बच्चे की शिक्षा, खेल एवं कंपटीशन की तैयारी एक साथ हो रही है। कक्षा 3 से हॉस्टल शुरू, कानपुर, दिल्ली, सीकर व साउथ इंडिया से स्टाफ जो पूरे दिन स्कूल में रहकर बच्चों की तैयारी करवाता है। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए आउटडोर गेम्स, क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल व एथलेटिक्स, इंडोर गेम्स, बैडमिंटन, चेस और कैरम। कक्षा 3 से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल व नवोदय स्कूल की तैयारी शुरू हो जाती है। कक्षा 6 से प्री फाउंडेशन कोर्स शुरू हो जाता है। कक्षा 9 से फाउंडेशन कोर्स शुरू, जिसमें एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, बैंकिंग व आईआईटी एवं नीट की तैयारी शुरू होती है। स्कॉलरशिप टेस्ट भी लिया जाता है, जिसमें 90% से ऊपर अंक पाने वाले स्टूडेंट्स की ट्यूशन फीस माफ होती है। कर्नल वीएच सिसोदिया व सूबेदार एआईजी लालचंद पारी के मार्गदर्शन में बच्चों की 9वीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस: ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी, CBSE एफिलियेटेड इंग्लिश मीडियम, नजदीक दरबा बस स्टैंड, मानक दीवान। कॉन्टेक्ट नंबर 9992571111, 8929 double five double one double one।